दोस्तों अभी शादी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लगन बहुत ही धूमधाम से मन रहे हैं और अचानक एक बात दिमाग में आई जब ये लौंडे देख रहे हैं कि इन लोग जो है शादी में जाने के लिए बारात जाने के लिए तैयारी किए हुए हैं, तो अचानक एक बात याद आई तो मैं सोचा कि शेयर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लौंडे हैं जिनकी शादी हो रही है और उन लोगों में ऐसा क्रेज चढ़ा हुआ है कि जब हम बारात जाएंगे, जब दुल्हन लेने जाएंगे तो हमारी जयमाला होकर के रहेगी, हम वहाँ पर जयमाला करवाएंगे। तो ससुर के न कहने के बावजूद भी ससुर नहीं मानता कि हम जयमाला नहीं करवाएंगे, ससुर का ही कहना होता है, फिर भी ये साले लौंडे लड़ करके ससुर जीत करके जयमाला करवा करके मानते हैं। और यदि वे असमर्थ हो जाते हैं जब उनके ससुर बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो सारे यही लौंडे सूद पर ब्याज पर पैसा लेकर के ससुर को देते हैं और अपने बाप तक को भी पता नहीं चलने देते। चलो मान लिए किसी तरह से लड़ झगड़ कर किसी को बोल करके हाथ पैर जोड़ करके अपने तरफ से अपने पॉकेट से ससुर को पैसा दे करके जयमाला का खर्चा स्वयं उठा करके किसी तरह से जयमाला करने का काम भी उठा लिया जाए, किसी मना लिया जाए, तो ये लोग इतने बेशर्म होते हैं कि करते क्या है। वहाँ पर जब इनकी जयमाला का रस्म होता है, उसका कार्यक्रम होता है, तो आप देखेंगे कि ये लौंडे क्या करते हैं कि उछलेंगे, कोई इसे पीछे से टांग लेगा, कोई उठा लेगा और छक्कों की तरह उछला करते हैं। तो आखिर कितनी बेशर्म की बात है कि यार ऐसा मत करो, उनका एक इज्जत होता है, आप भी अपने इज्जत से प्यार से उनके साथ जो जयमाला का रस्म होता है उसे पूरा करें। ठीक है, इतना ही बस कहना था।